आज मैं बहुत खुश हूँ। रोहतांग पास मंडी से आगे यहाँ तक ओपन कर दिया गया है और कहाँ तक ओपन हुआ है वो हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे, साथ में विथ प्रूफ दिखाएंगे और ये भी प्रमाणित करेंगे कि ये वीडियो आज का ही है। और दूसरी खुशखबरी है कि रोहतांग पास के ऊपर स्नोफॉल हो रहा है, आपको भी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, वो भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कौन सा नेटवर्क काम करता है। और मौसम ऐसा हो जाता है तो एक दिक्कत होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे इस वीडियो के दरमियान और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी, सब कुछ। और ऐसे नज़ारों को आप खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मनाली पैकेज, रोहतांग पास और टैक्सी बुकिंग के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ नेटवर्क की बात करें तो जियो 4G यहाँ काम करता है और मंडी के अंदर है, मंडी से ऊपर की ये लोकेशन है। और सावधानी की बात करें तो आप डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि मौसम ऐसा है पानी पीने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी पीना है। और इन स्नो गैलरी जो अभी पहले वाली गंदी हो चुकी है, ये फ्रेश स्नो गैलरी है, 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे इस मौसम को और इस स्नो गैलरी को, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा है, यदि आपको चक्कर आ रहे हैं, श्वास संबंधी दिक्कत है तो हाइट लूज करें, यानी कि रोहतांग से नीचे चले जाइएगा और ब्लैक गॉगल्स का प्रयोग करें यदि धूप निकल रही है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कानों में ऊँचा सुनाई दे सकता है, एक सामान्य प्रॉब्लम है, यानी कि जो आप चिप्स के पैकेट लाते हैं वो भी फूल जाते हैं यहाँ, तो आपके कान तो क्या चीज़ है। और प्लास्टिक ना फैलाएं, विश्व पर्यावरण दिवस पर रेनबो 7 चैनल आपसे निवेदन करता है हाथ जोड़ के। और आज हमारा जन्म दिवस भी है तो आप प्लास्टिक ना फैलाएं, ऐसा हम निवेदन करते हैं। विशेष सावधानी की हम बात करें तो स्नोफॉल के दरमियान प्रशासन आपकी गाड़ियों को यहाँ रुकने नहीं देता है और जल्दी रवाना कर देता है, तो गाड़ी के नंबर ज़रूर रखिएगा। यदि आपके पास जियो का सिम नहीं है तो आपका ड्राइवर आपसे संपर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए गाड़ी सभी सफ़ेद कलर की है और मोस्टली अल्टो गाड़ी है, तो आपको कन्फ्यूज हो सकता है। गाड़ी के नंबर ज़रूर हाथ पर लिख ले या मोबाइल के अंदर डायल कर ले। और यह है मंडी, मंडी से ऊपर है हम मंडी, जहां आप ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह कर सकते हैं और टॉयलेट की भी अच्छी फैसिलिटी है। मंडी से ऊपर आज ओपन कर दिया गया है और आप जो सामने बर्फ़ वाले मोमेंटो बने हुए हैं वहां, उस पर डेट भी देख सकते हैं, आज की ही डेट है, इससे प्रमाणित होता है कि वीडियो मंडी से ऊपर का और ऊंचा है, ऊंचाई पर है। और ये लोकेशन की बात करें हम तो ये रानी नाला से 2-3 किलोमीटर पहले का है। रानी नाला वही लोकेशन है जहां बर्फ़ 20-30 फीट की दीवारें बनी हुई आपको मिलेगी। अब देखते हैं कितना स्नोफॉल होता है, कितना बचा हुआ है हमें पता नहीं है। कम्युनिटी टैब पर आपसे पूछा था कि दोनों में से कौन सा वीडियो प्रस्तुत किया जाए, लगभग बराबर जवाब थे तो रोहतांग पास का प्रस्तुत किया। और आप चाहते हैं कि मनाली ले हाईवे का वीडियो आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। और रोहतांग पास पूरा कब खुलेगा, उससे पहले मौसम के बारे में बता देते हैं। मौसम लगभग एक सप्ताह से ज़्यादा ख़राब रहने वाला है, तो आपको ख़राब रहता है तो रेनफॉल के साथ टेम्परेचर डाउन हुआ, मौसम अनुकूल रहा तो स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। टूरिस्ट और ट्रैफिक आप साथ में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट और ट्रैफिक आया हुआ है और BRO बराबर मेहनत कर रहा है। रोहतांग पास लगभग 2 किलोमीटर से कम रह गया है पूरा ओपन करने में। और साथ में पार्किंग की समस्या है, क्योंकि ऊंची ऊंची गैलरी के बीच बर्फ हटाना बहुत मुश्किल कार्य है और साथ में लगातार अभी स्नोफॉल हो रहा है, इसकी वजह से डिले हो रहा है। और हम बता देते हैं, पहले वो मोमेंटो देख लीजिए, आज का ही वीडियो है, और उससे बता देते हैं कि रोहतांग पास 15 जून के आसपास प्रॉपरली खुल जाएगा, यानी आप रोहतांग होते हुए अटल टनल जा सकेंगे। और यहाँ आने के लिए परमिट की रिक्वायरमेंट रहती है, रोहतांग पास परमिट ऑनलाइन बनता है। और वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।